बस ना सुनोगे ना हो गया ना। हाँ वही पहली बार आपने गाना गाया है। पहला सॉन्ग है तो कितना
ऐसे लगेगा कि पंजाबी का गबरू गा रहे हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा गाना गाया, मैं इसलिए कि मेरी बीवी है जगह जगह मारेगी नहीं बोला। अगर पंजाबी में बोला जाए तो एक भंगड़ा सॉन्ग है जो जिसमें भंगड़ा करा जा सकता है, और बीट सॉन्ग है जिसको सुनते ही पैर तिरते हैं। मानसी वाले गाने के लिए मैंने मानसी को पूछो मैडम आप सेंटर में आ जाइए। आज तो सुने जी पंजाबी कितने की सिखाया गया आपके द्वारा, कुछ ऐसा जो वर्ड से इनको नया आता हो तो पंजाबी की वर्ड से इसमें हेल्प किया हो? मैंने कोई हेल्प नहीं किया, वो मतलब कि जैसे कि उस्ताद लोग होते हैं, हम पहले गाना गा के आते हैं उनको बताने से मैं ही डर, ये मतलब ये इतने अच्छे हैं, इनको बस ये था कि इनको बताना कि ये वर्ड है दैट इट, वो खुद ही उसकी कमांड को खुद ही टेल गोस आगे एंड कुछ वर्ड थे जैसे क्यूट क्यूट जो भी पंजाबी में वर्ड्स नॉर्मल होते हैं बट वो गायकी में उसको गाना वो बड़ी बात है, वर्ड्स तो नॉर्मल होते हैं क्यूट क्यूट है और भी काफ़ी, बट उसको गाने में आपको एक एक टेम्पो में बिठाना वो बड़ी बात होता है। दिनेश जी मेरा आपसे सवाल है कि जब ये गाना तैयार किया जा रहा था तो क्या आप पहला कोई अल्टरनेट दी थी कि और भी कोई सिंगर थे जो इसमें से गाना गवाया जाए? मेरे पास भी एक सिंगर थे अल्टरनेट, मैं इनके पास गया था, मैं क्या फिल्म क्या देख रही थी, मैंने कहा कि यार मेरी वाइफ है इसने गाना गाया है और मतलब कि हम एक क्लैब चाह रहे हैं, और मैंने कहा ऐसा पूछे कि चाहिए नहीं वाइफ है काफ़ी गाना है चाहिए नहीं, ये डे वन से मेरे दिमाग में थी, मुझे जब फर्स्ट सीजन एंड लास्ट सीजन मेरे दिमाग में एटलीस्ट ईयर आई एम वेरी हैप्पी। अदवर जी आप क्या कहना चाहेंगे पंजाबी आजकल जो पंजाबी सॉन्ग लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप भी नए साल में पंजाबी गाने में इंडस्ट्री में कदम रखें कि आने वाले समय में और भी पंजाबी गाना आपके द्वारा देखा सुना जाएगा? ज़रूर, देखिए साल की शुरुआत हुई है पंजाबी गाने से जो कि बहुत अच्छा गाना है और ओवरऑल बहुत अच्छा है और पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने तो, और लगता है कि अभी ये गाना सुनने के बाद मुझे ऑफर्स आने वाली है पंजाबी सॉन्ग्स के प्रॉपर। अगर हम ये बोल दें कि आपका ये गाना मेरा दिल डरता थोड़ी उसकी रनिंग कर दी हमने, हाँ मेरा दिल डरता पंजाबी आ रहा है तो भाई भी अच्छा, उन्होंने दो गाने किए हैं और उनको पंजाबी किए हैं, यस उनको पंजाब में मैं लिख रहा हूँ दो लाइन दो लाइन। हम लोग इसके ऊपर दौड़ देते हैं लॉन्च होगा तो मेरा। आपसे एक सवाल है, हर एक सक्सेस मैन के पीछे की वाइफ यानी कोई ना कोई फीमेल का हाथ रहता है, आपकी लाइफ में ये तो आपकी वाइफ है, इसके अलावा इंडस्ट्री में इनका क्या रोल रहा है, आपका सपोर्ट क्या रहा है? हाँ वो जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको पता होगा कि मेरे जितने भी गाने हैं इसने अभी तो इस गाने में एज ए सिंगर लॉन्च मतलब ये टाइप की सिक्योरिटी लॉन्च हो रही है, बट मेरे जितने भी गाने अब तक बने हैं उसमें शीवर क्रिएटिव डायरेक्टर खुशी यू टू राइट ब्रेक डाउन क्रिएटिविटी देन आर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम क्या पहनने हैं और सब चीज़ लोकेशन क्या होनी चाहिए ये पीछे रहती है शीवर क्रिएटिव डायरेक्टर नाउट डन सिंगर। मैं चाहता हूँ ये ना ये क्रिएटिव डायरेक्टर आ ही रहे अब ये सिंगर बनते रहे, वो सिंगर इतने गाने गाए कि कमाल हो जाने चाहिए। सेकेंड सॉन्ग है दिनेश सर के साथ, फर्स्ट सॉन्ग मैंने नशा किया हुआ रोमांटिक सॉन्ग, दिनेश सर ने मुझसे बोला कि कुछ अलग करते हैं इसको टाइप में कुछ अलग
सॉन्ग लेके आते हैं पंजाबी में, किस तक तुम्हारा, तो उसके लिए प्रिपेयर करो। तो मैंने बोला ठीक है सर करते हैं। तो फिर अल्तुमश भाई ने भी बहुत अच्छा सॉन्ग सीख दिया। आई नेवर एक्सपेक्ट दैट कि आप मतलब इतना अच्छा मेरे लिए गाएंगे उस सॉन्ग में। एग्जैक्टली मैं शौक, क्योंकि हमेशा मैंने इनके सॉन्ग हिंदी सुने, हिंदी वर्जन पूरा ठेठ वर्जन। हाँ हिट हो बिल्कुल। हाँ अल्तुमश भाई ने एक ठेठ वर्जन बिल्कुल एक्सेंट इतना प्रॉपरली स्मूथली गाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली इनको भाभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सर संतु सर बोलता है इनको भाभी बोलता हूँ, बट भाभी ने इसका सॉन्ग रिव्यू किया बहुत अच्छा लगा। एंड मानसी सीज अ गुड एक्टिंग इन द सॉन्ग एंड गुड एक्टर एंड वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा लगा। अच्छा डांस बहुत अच्छा किया आप देखो, अरे क्या हिस्ट्री है यार, वी हैव डांस वेरी वेल एंड यू हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड जो आई लव यू सर। जिनसे तुमने सपोर्ट किया इस वजह से मैं कर पाई ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी टीम के साथ काम करके? एक्चुअली मैंने इससे पहले भी सचिन सर के बहुत सारे सॉन्ग किए हैं और वही बात और कुछ और चीज़ें भी हैं अच्छे के साथ में। सर वो सर आपने बोला लता आपने पहला सॉन्ग बोला, सर आपने पूछा बोला कि नशा आपने गाना किया है लास्ट, किस तरह का नशा किया था? पहले पहले जिनेश सर ने मुझे प्यार का नशा कराया था जो कभी नहीं उतरता है, सारे नशे उतर जाते हैं लेकिन प्यार इसका नशा कभी नहीं उतरता। वो नशा अच्छा नहीं नहीं प्यार का नशा है, मैं बोल तो रहा हूँ प्यार का नशा है। थैंक यू थैंक यू सर। इसके बाद कुछ आने वाला उसके बारे में बताइए। वो कुछ आने वाला है सर यू है ठीक है ओके शूटिंग इज गुड डीडी सिनेमाविजन संध्या प्रोडक्शन और ये तो गाने हम कर रहे हैं डीडी म्यूजिक डीडी डी एस कृष्ण म्यूजिक एंड डीडी म्यूजिक वर्ल्ड, लेकिन सर का जो ही इज फ्रॉम द मूव एक्टर तो सर एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म लेके आ रहे हैं अजित रावत जो कि मार्च लास्ट पे है, तो उसके लिए अभी से बहुत ही अच्छी कर रहा है एंड हम एक गाना भी कर रहे हैं अजित के साथ में बहुत ही अच्छे वाला। सो वी डू टू प्रोजेक्ट्स, एक गाना मतलब म्यूजिक वीडियो म्यूजिक सिंगल एंड वन शॉर्ट फिल्म बहुत ही जल्दी। मानसिक के साथ में हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं और मानसिक के साथ एक गाना कर रहे हैं, दो दो प्रोजेक्ट हम दोनों चलते हैं। पंजाबी में मैं सब पंजाबी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ गाना चाहता हूँ पंजाबी में, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं जो भी पंजाबी में बोलूँगा उनको समझ में आएगा, बोलना ही आएगा, उससे अच्छा मैं अपनी आवाज़ से उनको पेश करता हूँ। मेरा एक सॉन्ग मैंने किया था थोड़ी देर पहले, बहुत ही काफ़ी गाने किए पंजाबी, बट ये मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे बेस्ट गाना है। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, कितना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां कितना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, ओ दिल मुड़दाणी लख समझाया, जी करे वेख तारवा किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। सारे गसाने का पादना दादा दा बाप घरे गसा किन्ना सोना तू रब ने बनाया। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, पंजाबी गुजराती बंगाली सभी को
पूरे हिंदुस्तान को, लव यू, थैंक यू सो मच। सवाल है सेंटर सवाल है बीच में जाने के लिए आपने कितनी तैयारी की थी इसके बारे में? मुझे शौक बचपन से ही है गाने का, मेरे मदर थ्रू बहुत मुझे उन्होंने इंकरेज किया हमेशा, तो इन्होंने अच्छे से पहचान लिया आफ्टर मैरिज। तो मैंने वर्कशॉप्स करी, मैंने प्रैक्टिस करी, घर पर रियाज किया, कभी दिन वाला रियाज, कभी रात वाला, शाम वाला, यू नो। तो बीच में बीच में ओके 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 गाइस, हमने गाना डार्क ग्लास हाउस पे शूट किया है इसी जगह पे, और हमने गाना यहीं पे रिलीज किया। क्या बात, हमने क्या कर दिया सोचो। और मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा सबको जो भी टीम में है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारे साथ, वो पीछे में देख पा रहे हैं तो अभिषेक झा, नीति सिंह हमारी कोरियोग्राफर, शहर है और कोरियोग्राफ किया हमारी उम्र 40 साल हो रहा है कि नहीं है, हमारे जुड़ गए एंड सर के साथ में हम क्या करेंगे। सर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में की है, सब मॉम आया है जो कि अभी जी रिलीज हुई है एंड अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। अब बहादुर ने बताया आपको, तो सर का ये फोटे है उनकी अच्छी लोकेशन हो जाएगी हमें। सर आपसे जानना चाहेंगे लाल फोर्ट से कितना कॉम्पेट बहुत ज़्यादा, मतलब कि अभी देखो कि यहाँ पे कैमरा सेटअप लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे हम खड़े हैं जैसे मतलब ये हमारा खुद का ही है, लेकिन नहीं यहाँ पे लोग आ भी सकते हैं, लेकिन देखो कितना कॉम्पिटिशन है। इन शॉर्ट सारा शूट एसी में हुआ, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वेरी कूल, बड़े आराम से अंदर एयर की बाहर जाना है, धूप वगैरह कुछ नहीं भैया, आराम से चिल। संतोष भाई अच्छा लगा आपको यहाँ पे, चलिए सर विशाल साहब भाई हो गया हमारा, हो गया ना। फोटो कर लेते दिन बन गया फ्री में माइलेज थैंक यू। जो भी हो चाहे वजह तेरे जाने की, जो भी हो चाहे वजह तेरे जाने की, मैं दुआ मांगूं तेरे लौट आने की, मैं दुआ मांगूं तेरे लौट आने की। रब की आदत है मुझको आजमाने की, रब की आदत है मुझको आजमाने की, सुन ले मेरी जिद है तुझको पाने की। मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। लव यू। और आपको पता है, आपको पता है जब मैं एक दिन सुबह उठा इनके गाने के रिलीज के दो दिन के बाद शाहरुख खान ने ट्वीट किया हुआ है कि व्हाट इज सो टू वाइज अल्टिमेट स्ट्रीमिंग एंड भाई का नाम शिताब शताब्दी। शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया, और सॉरी वो चला इंस्टाग्राम, मैं कहूँ थैंक यू सो मच। एक मिनट
यार देखो जब डायरेक्शन दिनेश शो ही करते ना एटीट्यूड आ ही जाता है और गाना गाया अल्तमास भाई ने, बहुत बेहतरीन गाना है, आप वीडियो का देखेंगे क्वालिटी देखेंगे, हाई प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो है, खर्चा हुआ है, एक अच्छी चीज़ बनाई गई है और ऐसी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस को भी यही चाहिए होता है आजकल, आप अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से बनाई है वो अच्छी ही बनेगी। भाई बहुत सारी चीज़ें पहले हम अंदर वाले लोग हैं अच्छी सिंगर है, अच्छा गाया है, यार लड़कियों में एटीट्यूड ना वैसे कैसे हो सकता है ऐसा सर आपने कुछ दीपक सर तो एक ऐसे प्रोड्यूसर है जो आपको ऐसा खुला हाथ देते हैं कि आप करिए बस काम करिए खुल के काम करिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें आप अपनी कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वो आप दिखाइए वो सबसे मज़ेदार तीन कर चुका हूँ और अभी और 300 करने वाला हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि दीपक जी ने बहुत अच्छे दिनेश अपना ये अतुलश और सोनिया जी और नाम
मानसी कमाल कमाल मजा आ गया। एक्टर बोलते हैं तो मजा आए तो सुन के भी, क्योंकि हमने काम देखा है और इनको काम को देख के मतलब हमें लगता है अरे वाह जो हम पंजाब में थे ना लाइक एफआईआर। मैं जोरदार तालियां बजाएं एक बार, बाकी ये मीडिया वाले तो मैं एक ही बात बोलूंगा जो मैं हमेशा लोगों को ये एल्बम देख के गाना सुन के वायरल लगा मुझे बड़ा अच्छा जैसा हसीना अगर मिसी रोटी है मैं हूँ प्रधान अच्छा जैसा करी बहुत बता बहुत बढ़िया थैंक यू भाई आपका बहुत धन्यवाद। सवाल है आपका कि वाला अभी नहीं आने वाला है, मेरे को अभी अंदर की बात चल रही है, मैं अभी थोड़ा पेमेंट मेरे को थोड़ा रिव्यू नहीं करना इस चीज़ को, क्योंकि वो सीरियल ऐसा था जो आप फैमिली में बैठ के आराम से देख सकते हैं, अच्छी कॉमेडी थी, 10 साल चाहते हो 10 साल, तो अभी लोगों की डिमांड है अभी दोबारा फिर आए, तो कुछ मैं चाहूँगा ऐसा करके आपका ऐसे ही प्यार बना रहे, तो मैं चाहूँगा अगर हमारे प्रोड्यूसर ने कहा भी गाना गवाना हो तो मैं इनका नाम रिकमेंड करूँगा दोनों का, भी इनका गाना हो तो रोमांटिक गाना हो और ये हमारी जो हेरोइन खड़ी है इनके लिए कुछ आंसू ऐसा कैरेक्टर हो आइटम सॉन्ग हो कमाल हो कमाल कमाल हो। और सोनिया जी ने गाया है, मतलब ये सबसे बड़ा सरप्राइज था कि सोनिया जी आप गए, सोनिया सोही जी ने जो गाना गाया सबसे सरप्राइज चीज ये थी, उन्होंने बढ़िया गा दिया हम सब के लिए, एक्चुअली ये एकदम बॉम्ब था, शॉकिंग बॉम्ब है, अच्छा गाया ये और शॉकिंग था, हमें लगा ठीक है यार क्या ही गा देंगे, अच्छा गा दिया फोटो है। दिनेश भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी डायरेक्शन में, अच्छा काम किया है हमेशा, वी आर हैप्पी जो ये डेढ़ महीने से दाढ़ी बढ़वा रहे हैं अगले गाने के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब शूट करें कब शूट करें, कितनी चुनौती है। गाइस अनाउंसमेंट वे तो आप लोग मिलते ही रहते हैं, मेरी बेटी मेरी नीस श्रेया अवस्थी शी इज अमेजिंग सिंगर, बहुत जल्दी इसका भी गाना भाई लॉन्च करने वाले हैं। अरे हमारे साइनिंग हो रखी है सब कुछ हो रखा है, अभी ना वो गाने का वो किसी पर्टिकुलर मौसम में हो सकता है, वो मौसम की गेम पंजाबी हूँ, मैं बोल सकती हूँ पंजाबी हो, पंजाबी हो, पंजाबी हो, पंजाबी
सब कुछ दम जो रॉक होता है ना पंजाबी आई वो मुझे सुनने को मिला और क्या दमदार आई मीन मैम अमेजिंग आई थिंक यहाँ पे डेब्यू है एक कमाल कर पंजाबी थोड़ी वीक है वो पंजाबी पहले उन्होंने पता नहीं कहाँ की थी बस बस एकदम एकदम मैम की जगह में मैं अगर उनकी उदाहरण सर नहीं सर बर्बाद नहीं करना नहीं 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 ये पाप हो जाता है सर हम एक्टिंग कर लेंगे लेकिन गाना बस बाथरूम तक ही सीमित है बस आप ये पूछो कि ये हमारे हमें कब कर रही है सर आप हमें काम मतलब कभी लॉकडाउन था कभी ये वहाँ पे की पेन हम इंतजार कर रहे थे दिनेश सर के साथ में काम करें बस बस कोई इंतजार बाकी अभी मैं बात करूँगा इस लॉन्च पार्टी के लिए मैं एटीट्यूड सॉन्ग का नाम बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है मैं भी आपने सुना एंड मैम का डेब्यू है मैम सर ने तो बहुत सारे प्रोड्यूस किए पहली बार मैम इस बार आ चुके हैं डायरेक्टर थे अभी अभी तो बहुत ही अच्छा लगा गाना बहुत अच्छी कैची है एकदम वाइब मिलता है मैं वहाँ पे डांस कर रहा था सर को तुमको देख रहा था मैं स्टेप देख रहा था मैं मूवी बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है डांस स्टेप बहुत अच्छे हैं जो एक्टर है वो भी बहुत अच्छे हैं भैया और आप लोगों के वर्णन के बारे में बता दूँ वर्णन ने बहुत हिट फिल्में की हैं ब्लॉक बस्टर हिट फिल्में की हैं लाइक ट्रिपल आर और अजय कुमार जिसमें अजय जी का बच्चा था वो यही था केदारनाथ चलिए फोटो 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 ले लो फोटो